गुड आफ्टरनून। तो आज है वेनेसडे और अभी 4 बजने वाले हैं। तो मुझे आज जबकि मेरा परफॉर्मेंस है तो मुझे जल्दी से सारे काम ख़त्म करके अपना गेटअप भी लेना है, क्योंकि आज मैं खुद अपना गेटअप लूँगी। और आज मस्त लंच भी बना था, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यह है सागो पिठो भुजा, यह है टमाटर का खट्टा, यह है कटहल आलू पकोड़ा कोसा, यह है मेरी बहन का घंटो और यह है पापड़। और आज रात को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है। मतलब एक ही दिन में इतने सारे काम हो रहे हैं, पूरा टायर्ड हो जाएंगे हम। तो इसलिए मैं अपना परफॉर्मेंस कर दूंगी, फिर हम बर्थडे पर जाएंगे। तो मैं रेडी होके आ चुकी हूँ अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, और 100 के आसपास परफॉर्मर्स आए थे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। चलो, कैसा रास्ता है, गिर जाएंगे ना। तुम आगे चलो। सर घूम रहे। कौन सा सर? पापा कहाँ हैं? सब लोग आए नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं। बाहर में तो पड़ा होता है ना, सेना सिंगल जेंट्स जेंट्स सब बुला लेंगे। टॉयलेट आ बाहर जाए। तो अभी सब डांस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। और अपने सोशल वर्क के लिए बहुत ही दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जना ब्रह्म दीपम ज्योति भरत संध्या दीपम नमस्ते काको एबे हपनाई दोस्ता फोन तो बात काले काले। कितने टिंगू टिंगू से बच्चे आए थे डांस करने के लिए, और गाना म्यूट कर दिया गया है, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत सारे डांस प्रोग्राम थे, सोलो और ग्रुप में थे, मेरा सोलो में था। इधर मेरी छोटी बहन भी कितना एंजॉय कर रही है। सेंड करो इसमें। इधर प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं सर्टिफिकेट के साथ। परफॉर्मेंस एक के बाद एक चली आ रही है। उम्मीद करते हैं सारे सीनियर कैटेगरी के परफॉर्मर हमारे साथ बने रहे, उन्नति आ रही है। आप जहां पर भी है मंच पर संपर्क करें। हमारी आज की अगली पेशकश आपके सामने लेकर आ रही है परिस्मिता प्रियदर्शनी पात्र, एक जबरदस्त बॉलीवुड नंबर परिस्मिता प्रियदर्शनी पात्र। बोलो नटी नहीं दीदी नाचिबो
अब मैं अपना परफॉर्मेंस दे रही हूँ और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बिना म्यूजिक के नाच रही थी। एक्चुअली मैं म्यूजिक को म्यूट कर दिया गया है। सोच के देखो, इमेजिन करो कि बिना म्यूजिक का डांस कैसा होता। ये तो सभी को पता है कि म्यूजिक को म्यूट किया गया है, क्योंकि बिना म्यूजिक के तो कोई नाच नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बिना म्यूजिक के नाच सकता है तो उसे पागल कहा जाता है। परिस्मिता प्रियदर्शनी पात्र, परिस्मिता प्रियदर्शनी पात्र, अस्मिता महंती, ये मुझे अपना प्राइज और सर्टिफिकेट मिल गया। मेरा परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हमने और कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा। एक बार मैं बर्थडे पार्टी में चले आया क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका था। वैरायटी आइटम्स बने थे और सारे डिलीशियस थे। अरे गिफ्ट कहाँ गया? आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि हम आए और एक बार में खाने के लिए बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। मेरा परफॉर्मेंस कब ख़त्म होगा करके पापा पहले से गिफ्ट दे के चले गए थे। बस तो मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया और अभी हम बर्थडे पार्टी में आ गए, सारे लोग चले गए और ये रही बर्थडे गर्ल। तो हम घर वापस आ चुके हैं और मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से गया और मुझे प्राइज़ भी मिला है। ऐसा नहीं कि बस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उन्हें प्राइज़ मिला है, सबको थोड़ा हौसला दिलाने के लिए उन्हें सभी को प्राइज़ के साथ सर्टिफिकेट भी दिया गया है। और ये जो प्रोग्राम था ये डांस प्लस सीज़न 8 था और इसके जो फाउंडर है वो है संदीप सर, उनका पूरा नाम है संदीप खोरा। और मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए इतना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। और आई होप कि ऐसे आगे भी वो ऐसा अरेंजमेंट करें और हमें मौका मिले, चांस मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और वहाँ पर डिनर का भी आयोजन किया गया था, लेकिन क्या करें, एक ही दिन में प्रोग्राम भी था मेरा और यहाँ बर्थडे पार्टी भी था। तो जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ हम बर्थडे पार्टी के लिए चले गए और वहाँ पर भी मस्त से खाने पीने का आयोजन किया गया था और हम खूब मस्ती करके डिनर करके चले आए और अंकल आंटी हमें पार्सल भी दे दिए, तो अच्छा ही। कल सुबह खाना बनाना नहीं पड़ेगा, मैं स्कूल ले जाऊंगी और ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी। तो इसलिए अंकल आंटी को थैंक यू, संदीप सर को थैंक यू, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये साल बहुत ही अच्छा जा रहा है, ऐसे ही अच्छा जाए और मुझे नींद भी अच्छी आए।
तो अभी मुझे बहुत जोर की नींद आ रही, मैं अभी सो जाऊंगी और कल सुबह उठ के स्कूल भी तो जाना है। इसलिए इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। इधर मैं अपना मेकअप उतार रही हूँ। क्या कर रही है, मेकअप उतार रही हो क्या? हाँ।